अस्सलाम वालेकुम, कैसी आई हैं? बेटी, कब मैं आई? आई। थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारा हाँ। जल्दी। सार मुझे लाते ही नहीं है, मैं क्या करूं? सार क्यों नहीं लाते मुझे मम्मा से मिलवाने? आंटी झूठ बोल रही है इसको, मैं कहता हूँ उसको। मैंने इस्लामाबाद वाले दिन बस मैंने कहा था कि हम लेट हो रहे हैं तो आके बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन मैं उसी दिन अगले दिन मैं इसको लेके आया हूँ। कितनी बुरी बात है, मम्मा झूठ बोल रहा है। कहता तुम बस शादी हो गई, बात खत्म, अब तुम मेरी हो। आई सीरियस नहीं कहता हूँ, तुम बड़ी लकी हो। क्यों पता है कि शौहर कहते हैं जाए अपने माँ बाप के हाँ, घर रह के थोड़ा सा मुझे वो सारे, स्पेस सारे तो दे। ये कह रहे होते हैं कि हाँ, वाइफ अपनी अम्मी के पास जा रही है तो हम खुश हो गए, वो सारी मीम तो इस तरह की बनी नहीं है। मेरा उलट सिस्टम है, वो तुमसे इतना प्यार करता है तो तुम्हें नहीं जाने देता ना। कहता मेरे साथ रहे, मुझे मोटिवेट करती रहे और हम दोनों मिलके एंजॉय करें। अच्छा मम्मा, आज हम लोगों ने कुछ डिसाइड किया है। क्या साथ और मैं कुछ सोच के आए। हम लोगों ने ये सोचा है कि हम लोग ना आज खाना बना, हम लोग असल में ना खाना घर पे बना रहे थे, तो हम लोग सोचे कि हम आपको भी खिलाएं और हम लोग इधर बनाए इस किचन में। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आंटी अंदर अंदर कह रही होंगी इतना गंदा होने वाला है किचन हमारा। बनाना क्या है बताओ तो सही मम्मा को। मम्मा अपना फेवरेट बताए ताकि साथ दूसरी सुनाए। वैसे हमने भी डिसाइड नहीं किया कि हमने क्या बनाना है, तो आप खुद ही बता दें कि आप हेल्दी चीज देना चाहेंगी या कोई घी मक्खन फ्राइड चीज देना चाहेंगी। मेरे बहुत सारे मैं जो रेसिपीज बनाती हूँ ना उसमें मैं लोगों को कहती हूँ कि प्लीज घी का इस्तेमाल कम कर दे, ऑयल छोड़ दे, कम से कम इस्तेमाल करें। ठीक है तो हाँ। कोई हेल्दी चीज, गार्लिक राइस, ग्रिल्ड चिकन और मशरूम सॉस। ठीक है, हेल्दी फूड। तुमने किससे पूछ के इतना शोर मचाया? आज हम खाना बना रहे हैं तुम्हारे घर पे। आज तो बना रहे हो? यस मम्मा को, मम्मा बताए हम क्या बना रहे हैं। मम्मा मुझे नहीं बनाना पड़ेगा, मतलब हमें नहीं बनाना पड़ेगा। आज हम जो भी बनाएंगे वो यही खा जाएगी। खाओगी, सब कुछ खाओगी। इसको साथ रख लेते हैं किचन में ना, हाँ, ताकि तबाहियां मचे। चलो जी, सबसे पहले चावल लेके आओ। ठीक है, चावल को जो है ना भगोने, इसके अंदर पानी डालो यार। चावल जो है ना ग्लास के साथ हो जाए। कप है कोई? कप खाना कितने लोगों ने? थ्री। तो इसको जो है ना अभी हमने भिगो के रखना है। ठीक है, तकरीबन कोई आधा घंटा, उतनी देर जो है ना हम लोग अपना मसाला तैयार कर लेते हैं चावलों का। यार उसके साथ हमें वाइट सॉस ही बनानी है, तो उसके लिए मैंने चीज़ पकड़ ली है। चीज़ के साथ हमें चाहिए क्रीम और बटर, तो हम लोग बनाते हैं वाइट सॉस। तो अभी हमें चाहिए लहसुन वगैरह कुछ। लहसुन काटना आता है? हाँ हाँ काटना यार, इसके चॉप करने, इसके ना टुकड़े टुकड़े करने तुम्हें, छोटे छोटे। ना समझ आ रही हो तो मुझे बता देना। तो लहसुन जो है ना हम लोगों ने निकाल ली है। ठीक है, अब इसको जो है ना हम लोग चॉप कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। चलो भाई, तुम लोग देख सकते हो इसका जो है ना पेस्ट बन गया है। ठीक है, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। तो हम लोग ने जो चावल भुगो के रखे थे ये भी काफी हद तक भुगो गए हैं। इसमें से जो है ना हम लोग जो है ना पानी निकाल लेते हैं। आए अब जो है ना हमने इसको उबालना है, तो दोबारा से पानी डाल लेते हैं। तुमने पानी निकाले क्यों था? वो पहले साफ करने के लिए होता है ना। अब हम ब्रांड न्यू पानी डाल के इसको उबालेंगे ना। चार, चलो जी, चलो अब इसको उबलने देते हैं। ठीक है, बाकी का काम शाम कर लेते हैं भाई। अभी जो है ना हमें इस बाउल के अंदर तोड़ने हैं 6 अंडे। तो अभी जो है हम लोगों ने एग योक्स और एग वाइट हम लोगों ने कर दिए अलग। तो चावलों में जो है ना उबाला आ गया, इसके अंदर हम लोग 1 चम्मच नमक डाल लेते हैं। ये नमक का है, बस 1 चम्मच डाल दो उसमें। हाँ बस ये डाल दो पूरा। चलो जी, ओए मेरी बात सुनो, जिस तरह से हम लोगों ने ये काटा है अपना गार्लिक काटा हुआ, इसी तरह से जिंजर काट दो कि थोड़ा सा। तो हमारे पास जो है ना ये हरा प्याज पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके भी हम लोग टुकड़े टुकड़े कर लेते हैं, ये भी हमें डालना है। बन गई सॉस। हाँ, वो चिकन, चिकन का क्या करना है? चिकन तो बड़ा कहाँ, ओए ये किसे रेडी करके रखा हुआ है? बस ये हम ऐसे ऐड करेंगे जैसे हमने बनाया है। चलो एंड पे बताना कि ये आप लोगों का ही बना हुआ है। तो राइस जो है हमारे रेडी हो गए हैं। ठीक है, हम लोग इसको इस बाउल के अंदर कर लेते हैं ट्रांसफर। ओए तो हम लोग बनाने लगे थे एग फ्राइड राइस, चाइनीज राइस नहीं होते जो से। ठीक है, तो इसलिए जो है ना हमें इसके अंदर जो है ना अब जाके जो एग योक हमने डोले है ना शुरू में, भाई मजा आएगा डलते हुए देखना। हाँ। बड़ा मजा आएगा देखना, अभी देखना ऐसा सेटिस्फाइंग तुम्हें मिलेगा ना लेवल। पकाया तो है नहीं।
क्या कह रही हो? पकाए तो नहीं, जापानी ऐसे खाते कच्चे। तुम्हारा भी दिमाग को मारने का रहता तो नहीं? और नहीं नहीं, ये कच्चा ही खाते हैं जापानी भाई, कच्चा खाते हैं भाई। नहीं नहीं, अभी कुक होंगे, अभी ये ऐसा नहीं, अभी मिक्स होंगे, फिर कुक होंगे। कैसा टेक्सचर फिर है? अब आने वाला है मजा। बटर की टिक्की डाली है भाई पूरी। ओए साबुन लग रहे यार हैं, ना ले। बड़ी ठंड हो गई यार, बड़ी ठंड हो गई है। अरे मजा आया कि नहीं? ओए होए होए होए, तो भाई ये बटर जो है ना हम लोग पिघलने देंगे इसको, थोड़ा बहुत जो है ना मिक्स कर लेते हैं इससे, ताकि पिघल जाए ना 360। ऐसे बटर की पूरी टिक्की नहीं डाली गई थी, हैं ये ज़्यादा नहीं रगड़ दिया? मैंने खा था। चलो कोई नहीं, जितना जितना मैं तुम्हें बता दूँ, जितना बटर डालती हो ना तुम खाने के अंदर उतना वो मज़े का आता है। सारे रेस्टोरेंट वाले यही काम करते हैं। तो भाई ये हमारा रेडी हो गया है। अब जो है ना हमने जो ये जो सब्जियां सुब्जियां काटी थी ना, ठीक है इसको हम लोग डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा। ये गया हमारा लहसुन, ये गया जी हमारा अदरक, और ये गया जी हमारा हरा प्याज। आए पकाएंगे थोड़ा लो हीट के अंदर हम लोगों को जो है ना इसको थोड़ा मिक्स मुक्स करना है, थोड़ा पकाना है इसको। 3, 2, 1। ये इस तरह से डलना नहीं था वैसे, लेकिन चलो ऐसे ही सही। स्क्रैम्बल करना है इसको थोड़ा सा ना। तो हम लोगों ने जो है ना इसके अंदर वाइट एग वाइट जो है ना वो हम लोगों ने डाल दी है। अब हम इसको मिक्स करके स्क्रैम्बल कर लेंगे। नहीं नहीं ये हो गया। अच्छा चलो चलो, और अब हम लोग इसके अंदर कर लेते हैं अपने राइस को ऐड, थोड़ा थोड़ा करके करना है हमने, ठीक है। पहले हम लोग इसको डाल लेते हैं, थोड़ा इसको मिक्सअप कर लेते हैं, फिर हम लोग ये और डाल लेते हैं, फिर इसको थोड़ा और मिक्सअप कर लेते हैं, फिर हम लोग और डाल लेते हैं, फिर और मिक्सअप कर लेते हैं, फिर हम लोग थोड़ा और डाल के यहाँ पे भी डाल लेते हैं, थोड़ा हम लोगों को जो है ना इसको थोड़ा अलग अलग जगहों पे डालना है। और चलो जी लेवल की स्मेल आया कि नहीं? फिर है अच्छी है ना? ये तो मालूम बताएगी। नहीं नहीं अभी देखना कितने लेवल के, अभी अभी तो पकना शुरू है, अभी सोया सॉस डलेगी, अभी इसके अंदर माँ की दुआ डलनी है अपनी। यमी लग रहे हैं ना थोड़े थोड़े, अभी पकेंगे, अभी कच्चे हैं। थोड़े थोड़े क्या मतलब? I don't know. Until I'm not sure. अब जो है ना हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं थोड़ी बहुत सोया सॉस। चलो जी हम लोग पहले टेस्ट करके देख लेंगे, अगर फजूल हो ना तो हम लोग जो है रेस्टोरेंट से मंगवा के उनको कहेंगे कि हमने बनाया, ठीक है किसी को बताना नहीं तुमने। भाई हमारे पास ब्लैक पेपर है, ठीक है हमें थोड़ा बहुत जो है ना ये भी छिड़कने इसके ऊपर। थोड़ी सी इसके अंदर जो है ना हम लोग डाल लेते हैं व्हाइट पेपर, बस 3 चुटकी बहुत है, 1, 2, 3। चलो जी यार राइस जो है हमारे रेडी हो गए हैं, ठीक है तुम लोग देख सकते हो टेक्सचर भी इसका काफी मजे का है, ब्राउनिश सा। नहीं बड़े मजे के हैं, मजे के लग रहे हैं ना। ये है ब्राउन एग फ्राइड गार्लिक राइस। लेवल का हस्बैंड मिला तुम्हें कि नहीं? फिर है तुम्हारी आधी कुवाड़ी मुक गई भाई, रोटी रोटी बनाने आती है, चावल चावल बनाने आते हैं, बिरयानी बनाने आती है, पिज्जा चीजा लगानिया, बर्गर शर्गर सैंडविच सब आता है भाई। ये जो हम लोगों ने ऑलरेडी मैरिनेटेड फ्रिज से निकाला है ना, ठीक है वो अब जाके हम लोग जो है ना फ्राई कर लेते हैं, किसी को बताना नहीं है कि उन्हीं की रेसिपी है। नीचे ना गिराओ। हां सब कुछ डल गया। तो यार हर चीज जो है ना रेडी हो गई है, मैं तुम लोगों को दिखा दूँ एक एक बार। आए ये चावल है हमारे बड़े लेवल के दम पे लग रहे हैं, तो ठीक है ये सॉस है फिर बड़ी लेवल की, ठीक है फिर ये चिकन भी है। अब हम लोग इसको करते हैं सर्व। रेस्टोरेंट खोल लेते हैं यार, मैं छोड़ो YouTube को भाई, डक्की भाई रेस्टोरेंट भाई। ये कल्ली डिश जो है ना ये कम से कम 5,000 की आती है भाई। धुआं निकलता हुआ कितना लेवल का लग रहा है भाई।
भाई अब हम लोग डाल लेते हैं सॉस। सॉस को भी ना तरीके से डालना है, तुम्हें पता है? बहुत सही। मैं बताऊं, ऐसे 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 ये जो बस मैंने कर दिया ना, ये 1.5 लाख रुपए का डिश हो गया, 1.5 लाख रुपए का। गिरा रहे हो तुम हर जगह पे, कांटा छुरी भी रख देते हैं। चले मामा खाना आ गया। ऐसी खाना तो आप लोगों को क्या जरूरत है बाहर जाके खाने की, घर में बनाओ। अच्छा आंटी, अब आप समझे कि कैमरा बंद हो गया, अब आप ऑनेस्टली बताएं कि अच्छा है या नहीं है, लेकिन सही सही बताना है। और ये चिकन बहुत मजे का फ्राई हुआ, फिर वो भी इतनी अच्छे सॉफ्ट बनी हुई। अच्छा वरना ना साथ रेस्टोरेंट यस कराओ फिर बनाए फिर। आंटी चिकन सबसे अच्छा है, सॉस सबसे अच्छी है, राइस सबसे अच्छी है, इन तीनों में से सबसे अच्छी चीज कौन सी है? ये और उसके बाद ये दोनों, मतलब और चिकन ही हमने नहीं बनाया। प्रेजेंटेशन साथ में मेरा मुझे बोल बोल के सूप वाला कप चाहिए, मैंने कहा उसका क्या करना है, फिर बाद में चला ये करना है। वो बॉल बनाना होता है, नीट लगता है ना, साफ 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 लगता है। कैसा है? हाउ इज इट? टेस्टी? मामा झूठ ना बोले यार, अरे वो बहुत मजे का, वैसे अनएक्सपेक्टेडली बहुत मजा है। अच्छा वैसे मैंने कभी भी टेस्ट नहीं किया। मैंने भी नहीं टेस्ट किया। क्या पता बाकी। इसमें गार्लिक की वो खुशबू आ रही है। अच्छा वो सच सच बताएं कैसा है? एक बात तो बिल्कुल अच्छा नहीं।